प्यारे बच्चों, क्लास 12 संस्कृत इलेक्टिव का एग्ज़ाम कल होना है और इसके लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस टू उच्च विद्यालय गोपी कांदर के PGT संस्कृत के शिक्षक श्री उत्तम कुमार मंडल द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और संस्कृत के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। विकल्पीय प्रश्न ईशावास्योपनिषद कस्याः संहितायाः भागः यजुर्वेद संहितायाम् जगत सर्वं कीदृशम् अस्ति तो जगत सर्वं ईशावास्यम् अस्ति पदार्थ भोगः कथं करणीयम् तो पदार्थ भोगः त्यागभावेन करणीयम् आत्महनौ जनाः कीदृशं लोकं गच्छन्ति तो आसुर्या लोकम् मनसो अपि वेगवान का तो मनसो अपि वेगवान आत्मा तिष्ठन अपि कह धावत अन्यान अत्येति तो परमात्मा अविद्या किम तरति अविद्यायां मृत्युम तरति विद्यायां किम प्राप्नोति तो विद्यायां अमृतम प्राप्नोति इदं सर्वं जगत ईशावास्यम कीदृशम् सतम समा कर्माणि कुर्वन् एव जीजी विशेत तो इसमें उत्तर होगा किम असूया नाम लोका अंधेन तमसा आवृता इसमें केन अविद्या उपासका अंधन तम प्रविशन्ति तो के उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता क तो उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता कालिदासः बटवः अश्वं कथं वर्णयन्ति तो बटवः अश्वं भूत विशेषं वर्णयन्ति लवः कथं जानाति यत् अयम् अश्वमेधिकः अश्व तो अश्वमेधकाण्डेन राजपुरुषस्य तीक्ष्णतरा आयुधश्रेण्य कीदृशीं वाचं न सहन्ति तो धृत्ताम् अश्वमेघ इति नाम क्षत्रियाणां महान् उत्कर्षनिकषः तो आंसर होगा इसका केशाम् हे बटवः लौष्टे अभिनन्ता उपनयत एनम अश्वम तो इसका आंसर होगा के रामभद्रस्य एषः दारक अस्माकं लोचने शीतलयति तो इसमें के उत्पत्ते मम मनः परिपल्वं धावति तो इसमें होगा कस्य कस्य उत्पत्ते मम मनः परिपल्वं धावति अतिजवेन दूरम अतिक्रांतः स चपलः तो इसका आंसर होगा कि क अतिजवेन दूरम अतिक्रांतः स चपलः विस्फारित सरासनाः आयुधश्रेण्य कुमारं त्रजन्ति तो यहाँ होगा कम विस्फारित सरासना आयुधश्रेण्य कुमारं त्रजन्ति निपुणं निरूप्यमानः लवचंद्र मुखचंद्र मुखचंद्रेण सीताया संवत्येव तो कया निपुणं निरूप्यमानः लव मुखचंद्रेण सीताया संवद्येव आक्रमणः किं जाया तो आक्रमणः कर्म जाया जनकादय केन सिद्धिम आस्थिता तो जनकादय कर्मणा सिद्धिम आस्थिता बुद्धियुक्त अस्मिन् संसारे क के जहाति तो बुद्धियुक्त अस्मिन् संसारे सुकृत दुष्कृते जहाति केषाम् अनारंभात पुरुषः निष्क्रम्यं न प्राप्नोति तो कर्मानां अनारंभात पुरुषः निष्क्रम्यं न प्राप्नोति के गुणे सर्वः अवशः कर्म कार्यते तो प्रकृति जे गुणे सर्वः अवशः कर्म कार्यते अस्माकं कर्मणि अधिकारः वर्तते तो कस्मिन् कर्मणि अधिकारः वर्तते अकर्मणः कर्म जाय तो अकर्म कस्मात् अकर्मणः कर्म जाय जनकादय कर्मणा एव सिद्धिम् आस्थिता तो आंसर इसका होगा केन जनकादेह कर्मणा एव सिद्धिम् आस्थिता योगः कर्मसु कौशलम् तो इसमें होगा केषु योगः कर्मसु कौशलम् जीवने नियतम कर्म कुरु तो उत्तर कीदृशं जीवने नियतम कर्म कुरु लक्ष्मी मद कीदृश तो लक्ष्मी अपरिणाम लक्ष्मी मदः अपरिणामः चंद्रापिडं कः उपदिशति
चंद्रापिनम सुखनाशः उपदिशति, कीदृशे मनसी उपदेश गुणाः प्रविशन्ति। तो आंसर होगा कि अपगत मले मनसी उपदेश गुणाः प्रविशन्ति, लब्धापि दुखेन का परिपाल्यते। तो लक्ष्य लब्धापि दुखेन लक्ष्मी परिपाल्यते, केषाम उपदेष्टारः विरला सन्ति। तो राज्ञाम उपदेष्टारः विरला सन्ति, लक्ष्म्या परिगृहीताः राजानः कीदृशा भवन्ति। तो विकलवा लक्ष्म्या परिगृहीता राजानः विकलवाः भवन्ति। लक्ष्मीः लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, तो कथम इसका आंसर कथम होगा, अधित सर्वशास्त्रस्य न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। इसका आंसर होगा कस्य अपरिणाम उपशमः लक्ष्मीवदः। तो कीदृशी कीदृशः अपरिणाम उपशमः लक्ष्मीवदः, लक्ष्मीः सूरं कंटम कंटकम इव परिहरति। तो कम लक्ष्मी सूरं कंटकम इव परिहरति, राजानः कुप्यन्ति हितवादिने। तो कस्मे राजानः कुप्यन्ति हितवादिने, सर्वत्र कीदृशं नीरमस्ति। तो सर्वत्र नीरज राजितम नीरम आस्ति, मरालस्य मानसम कम बिना न रमते। तो आंसर होगा मरालस्य मानसम मानसम बिना न रमते, कीदृशम भूषणम न छियते। तो बाघ भूषणम भूषणम न छियते, पापात क निवार्यति, पापात सत्मित्रम लक्षणम निवार्यति, सत्कवि ही को द्वयो अपेक्षते, शब्दार्थो सप्तकवि शब्दार्थो द्वो अपेक्षते, सहसा किं न विदधेत सहसा क्रियां न विदधेत। अपंडितानां विभूषणं किं, तो अपंडितानां विभूषण आभूषणं विभूषणं मौनं, विद्वान दृष्टिकतां पौरुषं च अपेक्षते। तो कान विद्वान दृष्टिकतां पौरुषं च अपेक्षते, संपदः विमृश कारणं स्वयं वृणुते। तो कम विपदि धैर्यं महात्मानां प्रकृति सिद्ध्यम्। तो कैसाम विपत्ति धैर्यम महात्मानां प्रकृति सिद्ध्यम्, केवरानी न भूष्यन्ति पुरुषम कानी केवरा कान इसका होगा कानी, पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। तो सिंहासन द्वादश त्रिशंका ग्रंथात् संकलितः, उपार्जितानां वित्तानां रक्षणं कथं भवति। तो त्यागेन उपार्जितानां वित्तानां रक्षणं त्यागं त्यागे त्यागेन भवति, धन विषये कीदृशः व्यवहारः कर्तव्यः। तो धन विषये भोगेन व्यवहारः कर्तव्यः, जलमध्ये पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा क्षणं कः स्थितः। तो जलमध्ये पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा क्षणं राजा स्थितः, समुद्रराज्ञे किमर्थं रत्नचतुष्टयं दत्तवान्। तो समुद्रे राज्ञे व्ययार्थं रत्नचतुष्टयं दत्तवान्, द्वितीयरत्नेन किम् उत्पद्यते। तो द्वितीयरत्नेन भोजनादिकम् उत्पद्यते, प्रीतिलक्षणं कति वधं भवति। तो प्रीतिलक्षणं षड्विधं भवति, राजा सिंहासने सम उपवेष्टुं गच्छति। तो राजा सिंहासने कः उपवेष्टुं गच्छति, उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव रक्षणं। तो केषाम् उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव रक्षणं, शिल्पी भी अतीव मनोहर मंडप कारित। तो के शिल्पी भी अतीव मनोहर मंडप कारित, राजा ब्राह्मणाय चत्वारि रत्नानि ददो। तो किम राजा ब्राह्मणाय चत्वारि रत्नानि ददो, पृथिव्या कति भेदाः। तो पृथिव्याः सप्त भेदाः, पर्वताः कति सन्ति। तो पर्वताः सप्तः सन्ति, समुद्रा कति सन्ति। तो समुद्राः सप्तः सन्ति, दधि समुद्र कस्य द्वीपस्यावरकः। तो दधि समुद्रः सुमेरु द्वीपस्य द्वीपस्यावरकः। अर्ष इति पदं कस्मे प्रयुक्तम्, अर्ष इति पदं आकाशाय प्रयुक्तम्, परमेश्वरः पृथिव्या सप्त विभागान् कृतवान्। तो परमेश्वरः पृथिव्याः कस्याः सप्त विभागान् कृतवान्,
पौराणिका सप्तद्वीपा वदन्ति के पौराणिका सप्तद्वीपा वदन्ति सप्तद्वीपा आविष्टन रूपा सप्त समुद्रा केषां सप्तद्वीपा आविष्टन रूपा सप्त समुद्राः सप्तग्रहा सर्व स्वर्गम परितमेकलावत परिभ्रमन्ति कथम सप्तग्रहा स्वर्गम परितः मेकलावत परिभ्रमन्ति सायं समये भगवान भास्कर कुत्र जिगम ईशु भवति तो समुद्र समुद्रम तो सायं समये भगवान भास्कर समुद्रम जिगम जिगम ईशु भवति अस्ताचल गमन काले भास्करस्य वर्णः कीदृशः अस्ति भवति अस्ताचल गमन काले भास्करस्य वर्णः अरुणः भवति नीरेषु के प्रति निर्वन्तते तो नीरेषु कलवीकाः प्रति निर्वन्तते शिववीरस्य श्वासपात्रं किम् स्थानं प्रयाति समा तो शिववीरस्य श्वासपात्रं वनानी स्थानं प्रयाति समः अकस्मात् पडितो मेघमाला पर्वत श्रेणी इव प्रादुर्भूत तो का पडितो मेघमाला पर्वत श्रेणी इव प्रादुर्भवत क्षणे क्षणे हयस्य खोरश्चिकन पाषाण खंडेषु प्रखलन्ति तो एंसर कस्य क्षणे क्षणे हयस्य खोरश्चिकन चीकन पाषाण खंडेषु प्रख संखलन्ति पदे पदे दोधूयमानः वृक्ष शाखाः सम्मुखम् आघ्रन्ति तो एंसर होगा इसमें की दृश्य कृत प्रतिज्ञो असो शिव वीरचरः निज कार्यान्य विरमम् इति कह आश्रमे के लालिता पालिताश्च भवन्ति तो आश्रमे अनाथ शिशवः लालिता पालिताश्च भवन्ति पत्र लेखिका कस्य हस्तयो अनाथाश्रमं समर्प्य स्वप्रस्थानिकम् इच्छति तो पत्र लेखिका श्रीनायरस्य हस्तयो अनाथ आश्रमं समर्प्य स्वप्रस्थानिकम् इच्छति श्रीनायरः कुत्र गमनाय इच्छां न प्रकटितवान् श्रीनायरः केरलं गमनाय इच्छां न प्रकटितवान् विभागस्य विपक्षे केषाम् अभियोगो नास्ति तो विभागस्य विपक्षे उपभोक्तृणाम् अभियोगो नास्ति श्रीनायरः स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं कुत्र प्रेषयति सवा तो श्रीनायरस्य स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं केरलं प्रेषयति सवा श्रीनायरः स्वअल्पभाषी आसीत् तो श्रीनायरः कीदृश आसीत् वर्षत्रयस्य आकलनात् ज्ञायते यत् विभागस्य कार्यनैपुण्यं दश गुणे वर्धितं तो इसमें होगा कस्य तस्य राज्येन सह कश्चित् संपर्कः नास्ति तो केन तस्य राज्येन सह कश्चित् संपर्कः नास्ति पत्रस्य अर्धाधिकं भागम् अश्रुधारा आर्द्रीकरोति स्मः तो का पत्रस्य अर्धाधिकं भागम् अश्रुधारा आर्द्रीकरोति स्मः श्रीदास तत्पत्रम् उद्घाटितवान् तो का श्रीदास का पत्र तत्पत्रम् उद्घाटितवान् भगवान त्वां दीर्घजीवनं कारयतु तो कम इसका आंसर कम उद्भिज परिषद इति पाठस्य लेखकः कः अस्ति तो उद्भिज परिषद इति पाठकस्य लेखकः श्री हृषिकेश भट्टाचार्यः अस्ति उद्भिज परिषद सभापति कः आसीत् तो उद्भिज परिषद सभापति अश्वत्थदेव आसीत् अश्वत्थमते मानवा तृणवत कम उपेक्षन्ते तो खगान अश्वत्थमते मानवा तृणवत खगान उपेक्षन्ते सृष्टिधारासु मानवो नाम कीदृशी सृष्टिः तो उत्कृष्टतमा सृष्टिधारासु मानवो नाम उत्कृष्टतमा सृष्टिः मनुष्याणां हिंसावृत्ति कीदृशी तो मनुष्याणां हिंसावृत्ति निरवधि पशु हत्या केषाम् आक्रीडनम् तो पशु हत्या मनुष्याणां आक्रीडनम् सावहिता शृण्वन्तु भवन्तः तो के सावहिता शृण्वन्तु भवन्तः मनुष्याणां हिंसावृतस्तु निरवधि तो केषां मनुष्याणां हिंसावृतस्तु निरवधि मनोजनमानः प्रतिक्षणं स्वार्थ साधनाय प्रवर्तते तो इसका आंसर होगा के मानवः क्षणम् अपि परपीडनात् न विरमन्ति किम् अर्थं मानवः क्षणम् अपि परपीडनात्
नविरमती मनुष्या महारण्यम उपगम्य यथेक्षम पशुघातम कुर्वन्ती। तो मनु इसमें होगा के मनुष्याणाम महारण्यम उपगम्य यथेक्षम पशुघातम कुर्वन्ती। जीव सृष्टि प्रवाहेशु मानवाः इसीव सिंहा हिंसा निरताः जीवाः न विद्यन्ते। इसमें होगा कथम जीव सृष्टि प्रभाव प्रभावेशु मानवाः इव हिंसा निरताः जीवाः न विद्यन्ते। भोजन गोष्ठेयम लेखकस्य कंठ नलिका नलिकाम कह अरुद्धत। तो इसमें होगा स्वामी महोदयस्य भोजन भोजन गोष्ठायाम लेखकस्य कंठ नलिकाम स्वामी महोदयस्य किंतु अरुद्धत। वाक्य मध्ये प्रविश्य सर्वं कार्य केन विनाश्यते। इसका आंसर होगा किंतु ना अधिकारिणी गरिष्ठ वस्तुनो भोजनम किम अत्यावश्यकम। तो गरिष्ठ भोजनों गरिष्ठ वस्तुनो भोजने तिक्त व्यंजनम अत्यावश्यकम। गृहिणी कस्य कार्यस्य कर्ण समीपे आगत्य शनैः अवदत्। तो गृहिणी पत्युः कर्ण समीपे आगत्य शनैः अवदत्। कस्य कारणात् कस्मिन् अपि कार्ये सफलता दुर्घटा अस्ति। तो इसका होगा पत्न्या कस्य। तो पत्न्या कारणात कस्मिन् अपि कार्ये सफलता दुर्घटा अस्ति। भूमे अभियोगः कुत्र चलति स्म। तो भूमे योगः अभियोगः ग्रामे चलति स्म। क्रूर किंतु मध्ये प्रविश्य सर्वं विनाश्यति। तो इसमें होगा कि किम क्रूर किंतु मध्ये प्रविश्य सर्व विनाश्यति। राज्य विभागस्य एव अधिकारी एतद्विरोधे पत्रं प्रेषितवान्। तो कस्य राज्य विभागस्य एक अधिकारी प्रतिरोधे पत्रं प्रेषितवान्। कस्य राज्य विभागस्य एक अधिकारी एतद्विरोधे पत्रं प्रेषितवान्। कन्यकाः पतिः सहसा अम्रियत। तो इसमें आंसर होगा कः कन्यकाः पतिः सहसा अम्रियत। मानवाचनम अपि परपीडनात् न विरमन्ति। तो कुत्र मानवाचनम अपि परपीडनात् न विरमन्ति। स्वामी महाभागस्य औषधिं नेसव्य अधुना अहम् निरोगः अभवम्। तो कीदृशी स्वामी महाभागस्य औषधिं नेसव्य अधुना अहम् निरोगः अभवम्। तो बच्चों इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन का जो उत्तर लिखा हुआ है कहीं कहीं गलत है, तो आप लोग सर का जो आवाज़ है उसको सुन के आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि ये सही आंसर को ही बताए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।